नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस 11 मार्च को एक बार फिर से रीवा की सड़कों पर दिखाई देगी। पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी की 11 मार्च को पुण्यतिथि है। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। सुंदरलाल तिवारी सड़कों पर आ जाया करते थे जब कांग्रेस के समर्थक खास तौर से दलित मजदूर परेशान हुआ करते थे। इस समय देश में कुछ वैसा ही वातावरण है। सरकार किसी की भी सुनवाई नहीं कर रही है। किसान पिछले 100 दिनों से सड़कों पर है। मजदूर के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस 11 मार्च को एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देगी। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में और दिखाते हैं सिद्धार्थ तिवारी और राजेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा। हमारे देश का किसान, मजदूर, गरीब इस समय परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है। तो ऐसे समय में हम सब वरिष्ठ जनों ने तय किया कि हम लोगों को भी रीवा जिले में के अपने पीड़ित वर्ग की मदद के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। एक प्रस्ताव हुआ कि सुंदर भैया की जो पुण्यतिथि है 11 मार्च, उस दिन को हम लोग एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, एक बड़ा कांग्रेस का कार्यक्रम करेंगे और उसमें और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। और उस दिन के सम्मेलन को हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग किसान स्वाभिमान सम्मेलन के नाम से एक बड़ा हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन स्थानीय पंथर पार्क में 11 मार्च को करेंगे। देश का किसान और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। समस्याओं पे समस्याएं उसके ऊपर डाली जा रही है। पता नहीं क्या दुश्मनी है केंद्र सरकार की किसानों से और भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह के 3 काले कानून वो लेकर के आए, जिसमें वो किसान की खेती, किसान की MSP और अंतोगत्वा SDM के माध्यम से किसान की जमीन भी उद्योगपतियों के नाम कर देंगे। जब मैं किसान की बात करता हूं तो सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। जब एक किसान पीड़ित होता है, उसकी आय में कमी होती है, उसकी जमीन जाती है, तो उसकी खेत में काम करने वाले मजदूर की भी आय और रोजी रोटी पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल पर्याप्त नहीं थे तो केंद्र सरकार ने सोचा अब आम आदमी के ऊपर क्या नई समस्या डाली जाए। पता नहीं आगे की क्या रणनीति है, कौन कौन सी तेल की कंपनियां ये अदानी और अंबानी को देने वाले हैं। इन्होंने बोला आप कुछ मत करिए, हम अभी से रेट ऐसा बढ़ा देते हैं, 100 से 200 रुपए कर देंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बना बनाया बिजनेस ले लीजिएगा। पीड़ित किसान और ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है महंगाई के कारण, और इस महंगाई से आम आदमी, छोटे व्यापारी, गृहणियां, छात्र, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समय इसके द्वारा पीड़ित महंगाई से नहीं है।